जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 12 नवंबर 2019 दिन मंगलवार, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पूर्णिमा तिथि शाम 7:04 तक रहेगी और उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:44 से लेकर 12:26 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 2:45 से लेकर 4:05 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, आज मैं अपने सभी जो सिख भाई बंधु हैं उनको 550वें प्रकाश पर्व और गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुख और शांति के वातावरण में अपना जीवन व्यापन करें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज कड़ी मेहनत करने का दिन है। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आज कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आपको कोई फल मिलेंगे, अन्यथा आज आप फल की कामना ही करते रह जाएंगे और आपको फल नहीं मिल पाएंगे। आपके अपने भाई बहनों और संबंधियों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। आज शेयर बाजार में निवेश करने के लिए समय शुभ नहीं है, इसलिए आज आप शेयर बाजार से परहेज करें क्योंकि आज आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। कोई जोखिम उठाने का प्रयास ना करें वरना विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात आज फिर से हो सकती है जिससे आप अपने पुराने लम्हों को दोबारा से जी पाएंगे। विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बोलचाल में अभद्र भाषा से और व्यर्थ की गपशप से आज आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा आज आपको मान हानि का सामना करना पड़ सकता है। आज सूर्य देवता को प्रातःकाल उठकर मीठा अर्घ प्रदान करें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त हो। मेष राशि वालों, अगर आप पति पत्नी में ज्यादा झगड़े होते हैं
और आप ग्रह कलेश से परेशान हो चुके हैं, तो आपको अपने हाथ में एक हीरे की मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। जो लोग हीरा पहनने में असक्षम हैं, उनको अपने हाथ में हीरे का सब्स्टिट्यूट धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइड पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज, हीरा या किसी भी रत्न की अंगूठी को स्वयं बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप ऑनलाइन इन रत्नों को अपने घर पर बैठे ही मंगवा सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय, जिसे करने से जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति अपने तबादले की आकांक्षा रखते हैं और चाहते हैं कि उनका तबादला किसी निश्चित स्थान पर हो जाए, चाहे वो उनका जन्म स्थान हो या कोई और भी स्थान हो, तो आज इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है और आपके मन चाहे स्थान पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। आप सुबह उठकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहने और 11 लाल मिर्च लेकर सूर्य की तरफ फेंक दें और कहें कि मेरी जल्दी से दूसरी जगह पर तबादला हो जाए। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक करते रहें। यदि आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जल्द से जल्द तबादला आपके मनचाहे स्थान पर हो जाएगा। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 1 महीने पहले यहाँ गुरुजी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो हो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब हैं, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया, और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो कि दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा हुआ हूँ। लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, साधन निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरुजी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जैसे गुरुजी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। क्या आप अपने सपनों का घर ना बना पाने के कारण परेशान हैं?
क्या आपके पास अपना मकान, ऑफिस या शोरूम नहीं है? क्या हर महीने आप इन जगहों का रेंट दे देकर थक चुके हैं? क्या आप अपने मकान मालिक लैंडलॉर्ड की दादागिरी से परेशान हैं? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें